हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस। और आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं साबित करने वाला हूँ कि एनडीए का एग्ज़ाम जो 10 अप्रैल 2022 को हुआ था, उस एग्ज़ाम में इंग्लिश में स्पोर्टिंग एरर्स, जिसे कॉमन एरर्स भी कहते हैं, कि सारे के सारे क्वेश्चंस इस चैनल द्वारा पब्लिश किए गए लेक्चर्स में से कनेक्ट हो गए हैं, मिल गए हैं। 100% क्वेश्चंस मैच कर गए हैं इस लेक्चर के वीडियोज से। इसे मैं साबित करूंगा और इसी के चरण में जो स्पोर्टिंग एरर्स के 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनडीए के पेपर में, इनका आंसर दूंगा और आंसर को भी साबित करूंगा। सो शुरू करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्टिंग एरर्स को कॉमन एरर्स भी कहते हैं। तो मैं क्या किया हूँ, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पहले पार्ट को क्रॉप कर लिया हूँ। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा और फिर आंसर को साबित करूंगा। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ए बी सी डी लिखा हुआ है, जो इनकरेक्ट है वही मार्क करना होता है आंसर में। सो अ कंपनी ऑफ 5,000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 डेज हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कंटोनमेंट, नो एरर। तो यहाँ पे एरर है सी वाले पोर्शन में, हैव के जगह पे यहाँ पे होना चाहिए हैच। क्यों होना चाहिए? कारण नंबर एक, हमने कॉमन एरर्स में पढ़ा हुआ है कि जो कलेक्टिव नाउंस होते हैं वे सिंगुलर होते हैं, और जब सिंगुलर होते हैं तो कलेक्टिव नाउंस सिंगुलर वर्ब भी चाहिए इनको, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है। इस कारण से यहाँ पर अ कंपनी ऑफ 5,000 सोल्जर्स में से कंपनी वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, और इसके अनुसार जो वर्ब यूज किया गया है वह है हैव। क्या होगा, ये हैज होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। एक कारण से साबित किया। दूसरा कारण, सिंटेक्स में हमने सेम पढ़ा हुआ है कि कलेक्टिव नाउंस, कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ जिसमें कंपनी वर्ड नहीं लिखा है, जिसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको कुछ देर में ही, ये सिंगुलर वर्ड चाहिए होता है। जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज, यहाँ पे इज आ गया, ऐसे ही यहाँ पे हैच हो जाएगा। कंपनी एक कलेक्टिव नाउन है, देखिए, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, कंपनी एक कलेक्टिव नाउंस है। सो हमने साबित किया बहुत तरह से कि यहाँ पे हैज ही होगा, और हमने कौन कौन सा लेक्चर कहाँ कहाँ का है सब पब्लिश किया हुआ है, हाँ वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, देख भी सकते हैं, कॉमन एरर्स में मिलेगा, सिंटेक्स में मिलेगा, और ये आपको नाउन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस, नो एरर। यहाँ पे एरर है सी पोर्शन में, और देयर के जगह पर होना चाहिए हीज या हर। क्यों होना चाहिए, इसका आंसर है, कॉमन एरर्स में हमने लर्न किया था रूल नंबर 100 के तहत कि एवरी वन के लिए जो पजेसिव केस होता है वह होता है हीज या हर। एवरी वन के लिए, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी पर्सन, कुछ भी रहे उसके लिए भी हीज या हर होगा, बताया था वहाँ पे लेक्चर में है। सो यहाँ पे इसलिए जो पजेसिव केस आया है देयर गलत आ गया है। और आप दूसरी बात भी जानते हैं कि दे का पॉजिटिव केस देयर होता है, तो दे तो कहीं है नहीं, चाहे कहीं प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट है नहीं कि वहाँ उसका देयर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ पे हीज या हर में से कोई एक, चाहे हीज ऑब्लिक हर रहना चाहिए था। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, मैंने इसको भी साबित किया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाइएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। यहाँ पे ए नंबर पोर्शन में इनकरेक्शन है, और है क्या, द ओलंपिक गेम्स जो सब्जेक्ट है यह प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए होता है। देखिए, प्लूरल, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, ये रूल है, हमने पढ़ा है। सो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स नहीं, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसलिए ए वाले पोर्शन में गलती है, बाकी सब ठीक है, साबित कर दिया। फोर्थ नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमोंग्स द स्टूडेंट्स, नो एरर। एरर है यहाँ भी सी में। कारण क्या है, कारण है कि अमोंग्स की जगह पे अमोंग होगा, अमोंग्स की जगह पे अमोंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने कन्फ्यूज प्रीपोजिशंस में पढ़ा हुआ है अमोंग और अमोंग्स का यूज, उसमें देखा है कि कोई वर्ड अगर शुरू होता है वोवेल से तो उसके साथ अमोंग्स डालते हैं,
और अगर कॉन्सोनेंट शुरू होता है तो वहाँ पे अमोंग डालते हैं, दोनों में यही अंतर है। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से है तो इसलिए अमोंग होगा, अमोंगस्ट नहीं होगा, मैंने इसे साबित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। नो एरर, यहाँ पे एरर है सी में, और कहाँ पे स्टोन्स, स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन होगा। क्यों होगा स्टोन? क्योंकि हमने पढ़ा है नाउन में कि कुछ नाउन होते हैं ऐसे जो सिंगुलर में और प्लुरल में एक ही फॉर्म के होते हैं, सेम फॉर्म के होते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, यहाँ पे स्टोन लिखा हुआ है। स्टोन सिंगुलर भी स्टोन होता है और प्लुरल भी स्टोन ही होता है, स्टोन्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे स्टोन्स करना गलत है, इसलिए सी नंबर इज करेक्ट आंसर। 5, 6 नंबर, इंडियाज स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। यहाँ पे इनकरेक्शन है, यहाँ पे इट्स में। कारण क्या है? क्योंकि इट्स कोई पॉजिटिव केस होता ही नहीं है, ईट का पॉजिटिव केस होता है ईट्स, जो कि विदाउट एस होता है, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस करके दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे गलती है, दिस इज करेक्ट आंसर। सो 7th नंबर, वंस कंसिडर्ड 9th प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम प्लेटो इज टूडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नो एरर, यहाँ पे एरर है ए नंबर पोर्शन में, और है क्या, 9th के पहले आना चाहिए टी एच ई। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपने यूज ऑफ द में पढ़ा हुआ है कि ऑर्डिनल नंबर्स अगर सेंटेंस में यूज होते हैं तो उनके पहले आर्टिकल टी एच ई का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट के पहले ऑर्डिनल नंबर्स देखिए, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स की सूची है, 9th भी एक ऑर्डिनल नंबर है, तो इसके पहले भी द आना चाहिए। सो दिस इज द आंसर, ए नंबर आंसर होगा 8 का। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। नो एरर, यहाँ पे होगा गलती है वंस में, बिकॉज वंस एक पॉजिटिव केस होता है, बट ये होता अपोस्ट्रोफी एस के साथ। आप जानते हैं पहले से ही कि वन का पॉजिटिव केस वंस होता है अपोस्ट्रोफी एस के साथ, और इंग्लिश में ओ एन ई एस कोई वर्ड ही नहीं है, सो यही इनकरेक्ट वन है। नेक्स्ट, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। नो एरर, यहाँ पे आंसर नो एरर है, कहीं गलती नहीं है, क्योंकि देखिए पॉजेसिव केस वंस यूज किया है, इंडिविजुअल का भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, और इसके पहले एन भी लिखा हुआ है, कहीं कोई गलती नहीं है। सो दिस इज डी नंबर इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे वन का होता है वंस, जो लास्ट लाइन में देखा था उसको हमने यूज कर दिया है। 10 नंबर, एंड दिस इज लास्ट वन, एंड दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। कैसे? अ ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन दैट जस्ट अन ऑनेस्ट मिस्टेक। नो एरर, बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा है एन ऑनेस्ट मिस्टेक, और यहाँ पे लिखा है अ ऑनेस्ट मिस्टेक, सो इन दोनों में से कोई ना कोई गलत है। अब कौन गलत है, साबित करने के लिए स्लाइड का यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ऑनेस्ट के साथ एन लगता है, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए गलत कौन सा हो जाएगा, ए नंबर पोर्शन। तो इस तरह से जो कॉमन एरर्स स्पोर्टिंग एरर्स थे एनडीए के एग्जाम के 10, उन सब का आंसर आपके सामने रखा, और मैं लिंक किया कि इस चैनल के वीडियो से कैसे वे लिंक्ड हैं। आपकी जानकारी के लिए एंटोनिम्स जो आए हैं एनडीए के एग्जाम में, वे इस चैनल के जो भी वीडियो हैं वो कैब्स के एंटोनिम सिनोनिम कन्फ्यूज वर्ड्स एट्सेट्रा, उन सबको मिलाकर 90% मीन्स 10 में से 9 मैच कर गए हैं, सिनोनिम्स का 10 में से 8 मैच किया है, 80% मैच किया है। थैंक यू वेरी मच।